2017 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहेड़ी 118 विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले नसीम अहमद, जिनको 66,000 से अधिक वोट यहां इस बहेड़ी विधानसभा से मिले, और समाजवादी के उस वक्त के विधायक रहे अताउर रहमान को, जिन्होंने तगड़ी टक्कर दी, अब इस बार जबकि बहेड़ी में और तमाम जगहों पर नगरपालिका चुनाव, महानगरपालिका चुनाव सामने हैं, बहेड़ी से नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए वो यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार बनकर जनता के बीच आ रहे हैं। आइए जानना चाहते हैं नसीम अहमद जी से कि क्या वो मुख्य काम रहेंगे पहले, जो सबसे पहले जनता अगर उनको चुनती है तो वो करना चाहेंगे। पहली प्राथमिकता नगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक मॉडर्न स्लेटर हाउस की स्थापना की जाएगी, जिससे कि यहाँ के हमारे खास तरीके से कुरैसी बिरादरी के जो रोजगार बेरोजगार लोग हैं, उनको जो आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, उनको रोजगार दिया जा सके। दूसरा, उसी स्लेटर हाउस की वजह से आज जो यहाँ 70% मुस्लिम बहुल आबादी है, जिसको यहाँ जिनका खान पान, जिनके भोजन में मीट हुआ करता था, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सबसे पहले हम जीतने के बाद पहला काम मॉडर्न स्लेटर हाउस की स्थापना करेंगे। तीसरा मुद्दा जो है, कोई यहाँ पे हमारे यहाँ जो मुस्लिम बहुल एरिया है और समाज में बराबरी लाने के लिए आज एजुकेशन में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम कन्या इंटर कॉलेज निजी अपनी ज़मीन पे बहुत जल्दी मैं स्थापित करूंगा। इलेक्शन जीतने के बाद इंशाल्लाह ये काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। राज, चौथा आप देख रहे हैं इस वक्त कि यहाँ ख़ास तरीके से जो हमारे बेरोजगार शहर के अंदर, जिन्हें दूर दूर जाना पड़ता है, इंडस्ट्री यहाँ इतनी अधिक नहीं है, तो अगर हम लोग कुछ यहाँ पे इनके लिए स्वरोजगार के लिए नगर पालिका की तरफ से ऐसे ही अभियान चलाएं कि उनको कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखवाएं नगर पालिका की तरफ से, जिससे कि वो अपना खुद कारोबार कर सकें। ये नगर की सफाई और नगर को, हर गली को पक्का करना, उनकी सड़कों को, जो भी जहाँ गंदगी फैली हुई है, कच्चा होने की वजह से पानी भर जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, उस काम को सौंदर्यीकरण करा जाएगा, रोडों को बनवाया जाएगा। और अंत में मैं ये कहूँगा कि जो अस्पताल हैं यहाँ सरकारी, उसमें ना जच्चा बच्चा की सुविधा है, ना यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं कोई, ना यहाँ हर्ट का रोग है, तो बहुत जल्दी हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद ही यहाँ एक ऐसे अस्पताल का निर्माण करवाएंगे जहाँ पे सभी रोगों का इलाज होगा और जिनमें गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी। तो ये थे हमारे साथ नसीम अहमद जी, जो बहेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीएसपी से चुनाव प्रत्याशी बनकर बहेड़ी जनता के सामने हैं। कैमरामैन हसन रजा के साथ अब्दुल वाजिद, न्यूज़ बॉक्स बहेड़ी।